क्योंकि हमारा देश मीडिया, अगर जिस दिन मीडिया पूरा खुल के सामने और सच्चाई दिखाएगा, कुछ मीडिया के भाई तो मैं ये कहूंगी कि बिक चुके हैं और कुछ मीडिया के भाई डरे हुए हैं, बिके हुए हैं, उनको तो वापिस लाया नहीं जा सकता। लेकिन जो डरे हुए हैं, मैं उन्हीं मीडिया के भाइयों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे भाइयों आप डरो मत। मीडिया जिस दिन एक होकर सच का साथ देगा, उस दिन अमित शाह और मोदी जी क्या कर लेंगे। अगर ये हिटलर के चाल चल रहे हैं तो हमें चुप नहीं रहना है, वरना ऐसे डर डर के आप घरों में बैठे रहे तो हमारा देश गुलाम हो जाएगा। कितने सालों तक हमारा भारत गुलाम रहा, बड़ी मुश्किल से ये आजादी मिली है। इस आजादी के लिए हमारे बहुत भाइयों ने कुर्बानियां दी हैं। हम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और हमारे अभी उसके बाद देश आजाद होने के बाद भी पोर्टल पे हर रोज हमारे भाई शहीद हो रहे हैं, हर रोज हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं इस देश को आजाद रखने के लिए। लेकिन ये दो लोग इस देश को दोबारा बर्बाद करना चाहते हैं, दोबारा इस देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। ये हिंदू मुस्लिम का नाम लेकर सिर्फ और सिर्फ अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। ये सारे देश का पैसा अपने गुजराती भाइयों को देके इस देश से भगा रहे हैं। क्यों नहीं कानून कार्रवाई कर रहे ये लोगों पे? क्योंकि जिस दिन वो लोग यहाँ इस देश छोड़ के जाते हैं, उससे पहले इन लोगों से वो मिलके जाते हैं। इन लोगों की मिली भगत है जो हमारे देश का पैसा दूसरे देशों में जा रहा है। गरीब को ये ज्यादा गरीब बनाते जा रहे हैं। किसानों का कितना बुरा हाल कर रखा है इन्होंने। किसान आत्महत्या कर रहा है, जो अंधेवता है, जिसने सारे देश के लिए अपना खून पसीना बहा के एक एक अन्न का दाना जोड़ता है। अरे किसान की तकलीफ कितनी लोगों को क्या पता। जब ये मधुमक्खी रजाई में सोते हैं जनवरी में, तब किसान खेतों में रात में पानी दे रहा होता है, नंगे पैर। कितनी बार उनका सांपों के मुंह पे पैर रखा जाता है, कितनी तकलीफ से भूखा प्यासा किसान। और जब वो मेहनत करके अपनी फसल को मंडी में बेचने जाता है, उसका भाव करने वाला कोई तीसरा होता है। और हरियाणा में तो ऐसा कानून बना दिया कि अगर मान लीजिए कि एक एकड़ में 10 क्विंटल है, तो उससे ज्यादा अगर आपकी फसल हो गई तो उसको खरीदने को तैयार नहीं है सरकार। अगर 2 बोरी बाप एक्स्ट्रा हो गई तो किसान वापिस अपने घर लेके जाता है। कितना दुर्भाग्य है इस देश का। किसान से पूछते हैं कि आधार कार्ड दिखाओ, अपना ये कागज लाओ, वो कागज लाओ। अरे एक अनपढ़ आदमी कहाँ से कागज उठाएगा। बहुत मुश्किल हो रही है। मैं कहती हूँ कि अगर लाल बहादुर शास्त्री जी होते तो हमारा देश सच में आज बहुत विकास कर रहा होता। एक ही प्रधानमंत्री हुए हैं आज तक जिन्होंने किसानों के बारे में भी सोचा, जवानों के बारे में भी। उन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री जी ने। और आज प्रधानमंत्री जी ने उसका उल्टा कर दिया, मर जवान मर किसान। युवाओं को बोलते हैं तुम पकौड़े तलो। अरे ठीक है, हम पकौड़े भी तल लेंगे, लेकिन पकौड़े तलने के लिए पैसा लेके कोई आए तो हमारे साथ पकौड़े खरीदने तो आए। इतना तो रोजगार दीजिए कि जेब में उतने पैसे तो हो कि हम जाके ठेले पे पकौड़े तो खरीद पाए। इस देश में जब तक कोई किसान का बच्चा या मजदूर का बच्चा प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ जब इलेक्शन नजदीक आते हैं, ये सबके पैर पकड़ते हैं, ये घर घर जाते हैं, उसके बाद इनको किसी की याद नहीं आती। किसानों जो वादा करते हैं कि हम तुम्हारी फसल का दुगना दाम देंगे, अरे किसानों के जो 50 केजी का कट्टा होता था खाद का, उसमें से भी मोदी सरकार ने 5 किलो कम कर दिया। अरे जो किसानों की खाद खा गया 5 किलो, वो क्या न्याय देगा किसानों को? तो आप जागेंगे, एक दिन जागेंगे, ऐसा जागेंगे जिस दिन इन दोनों की सच्चाई देश के सामने आएगी, देश की जनता इनको धक्के मार मार के देश से बाहर निकालेगी। और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जिस दिन ये होने वाला है। ये बड़ी बातें करते हैं राष्ट्र भगत की, बड़ी बातें करते हैं सैनिकों के सम्मान की, बड़ा दिखावा करते हैं प्रधानमंत्री जी। हर दिवाली मनाने जाते हैं फौजियों के बीच में। आपको पता है 40 पुलवामा में शहीद हुए, इतने महीनों बाद जांच कमेटी बनाई क्या मोदी जी? मैं पूछना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी आपसे, आप बड़े राष्ट्र भगत की बातें करते हैं, सैनिकों के सम्मान की बातें करते हैं, पुलवामा में जो हमारे 40 शहीद हुए उनके ऊपर जांच कमेटी बनाई? अगर बनाई तो कहाँ है, कौन?
बता दी। आप सब जानते हैं, मोदी जी भी जानते हैं कि पुलवामा किसने कराया, मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हैं, लेकिन हमें पता कि हम एक नहीं हैं। अगर जिस दिन हम एक हो जाएंगे वो बात सबके मुंह से बाहर आ जाएगी। सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, बहुत तकलीफ होती है जब यूनिफॉर्म वालों के मुंह में लड्डू खिला रहे होते हैं मोदी जी। वो जवान अच्छे से जानता है कि जंतर मंतर पे जनरल सतबीर और उनके भाई बहन भूखे प्यासे बैठे थे, उनके ऊपर इसी मोदी सरकार ने 30 अक्टूबर 2017 को लाठीचार्ज करवाया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं मोदी जी, मैं भी किसी की बेटी हूँ, मैं भी वन रेकन पेंशन के आंदोलन से जुड़ी हुई हूँ। मुझे यहाँ से हटाने के लिए मेरे ऊपर क्या क्या गलत इल्जाम लगाए और यहाँ तक बोल दिया कि मोदी वन रेकन पेंशन नहीं देगा, सुरेश के साथ वो करो जो दामिनी के साथ हुआ। अरे इनकी इतनी हिम्मत, एक सैनिक की वाइफ को ये बोलते हैं कि तेरे साथ बलात्कार करेंगे। उसके बाद भी जब मैंने कंप्लेंट की पुलिस में, आप यकीन मानिए राजेंद्र नगर थाने में मैंने कंप्लेंट की, 14 महीने तक मेरी FIR दर्ज नहीं की थाने में। उस थाने की महिला SHO थी, 1 साल के बाद फिर वही गंदी बातें फेसबुक पे फिर लिखी, मैं महिला आयोग गई उसी दिन, साइबर क्राइम गई। 14 महीने बाद मेरी FIR दर्ज हुई और 30,000 कोर्ट में अभी केस चल रहा है। आप ये दिखाइए, डिजिटल इंडिया बोलते हैं मोदी जी, 14 महीने तक वो पता नहीं लगा पाए कि वो गंदा इंसान कौन था जो एक महिला के चरित्र पे इल्जाम लगा रहा है और उसको बलात्कार की धमकी दे रहा है। मैं डरने वाली नहीं हूँ, जिसने की माँ ने दूध पिया है तो मैं जंतर मंतर पर रोज आती हूँ, माँ ने दूध पिया है तो सामने आके बोले। और जब तक विधवाओं का हक वन रेकन पेंशन सरकार लागू नहीं करेगी, जंतर मंतर पे जनरल सतबीर का साथ ऐसे ही देती रहूंगी और सैनिकों के लिए आवाज उठाती रहूंगी। तो आप डरे ना, मीडिया के भाइयों जागो आप। मैं बड़े बड़े चैनलों से रिक्वेस्ट करती हूँ, अरे जब इस दुनिया से जाएंगे तो खाली हाथ जाएंगे। बस इतना फर्क है कि तुम लोग चांदी की थाली में रोटी खाते होगे, भूख तो रोटी से ही भूजती है भाई। तो तुमने कितना कमाना है, कितना चाहिए मेरे भाइयों, बड़े चैनलों जागो, मत डरो, मत भी कोई सरकार के आगे, देश गुलाम हो जाएगा तब तुम्हारे चैनल कहीं के नहीं रहेंगे, तुम्हारा भी बोरी बिस्तरा बांध दिया जाएगा। तो जब तक मीडिया साथ नहीं देगी, मीडिया कुर्सी का चौथा पैर है, वो बार बार जैसे कोई भाई उठने की कोशिश करता है फिर उसको सरकार चुया इन चुबा रही है। तो मेरे भाई जिस दिन डट जाएंगे, सच्चाई सामने ले आएंगे, हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। सच में हमारी बहू बेटियां आजाद होंगी, हिम्मत कर पाएंगी वो दिन में रात में बाहर निकलने की, कंधे से कंधा मिला के चलने की, ना कि सिर्फ भाषणों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से कुछ नहीं होता। सबसे ज्यादा भ्रष्ट, सबसे ज्यादा आरोपी, बलात्कार के आरोपी, मर्डर के आरोपी बीजेपी सरकार में है। मैं तो ये कहूंगी कि पहले था कि अगर कोई बलात्कारी है, कोई किसी ने मर्डर किया तो जेल में मिलते थे, आज ऐसा नहीं। अगर किसी ने खूब सारे पाप किए हैं, बलात्कार किए हैं, बीजेपी ज्वाइन कर लो, बहुत साफ सुथरे हो जाओगे, ये सोच है हमारी। और जो आवाज उठाता उसको कहते हैं देशद्रोही। अरे सबसे बड़े देशद्रोही तो तुम हो जो हिंदू मुस्लिम करके अपने देश का नुकसान कर रहे हो, जहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं होता वहाँ जाति के नाम पे लड़ा रहे हो। हरियाणा का सत्यानाश कर दिया जाति के नाम पे इन्होंने, लेकिन लोग जाग रहे हैं और जागेंगे। मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि आप एक होए, भानु प्रताप जी का साथ दें, मैं दिल से इनके साथ हूँ और जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ। भानु जी जिंदाबाद। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।